वंदे मातरम साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मूतखड़ा यानी कि गुर्दे की पथरी के बारे में। पानी की मात्रा कम होने के कारण मूतखड़ा यानी कि गुर्दे की पथरी हो जाती है। शरीर में कैल्शियम जब हजम नहीं होता और वो छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा होता है तो वही गुर्दे की पथरी यानी कि मूतखड़ा बन जाता है। मिर्ची ज़्यादा खाने से भी गुर्दे की पथरी हो जाती है। जिन लोगों के मूत्र में कैल्शियम अधिक मात्रा में बनता है उनको पथरी जल्दी हो जाती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे क्षारीय तत्व होते हैं जो किन्हीं कारणों से मूत्राशय या मूत्र नली से नहीं निकल पाते और धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं और फिर एक पथरी का रूप ले लेते हैं। गुर्दे में जो स्टोन बनती है या जो पथरी है उसकी स्थिति में किडनी के पास बहुत अधिक दर्द होने लगता है। ऐसे में मूत्र धीरे धीरे और रुक कर आने लगता है। इस बीमारी के घरेलू उपचार की बात करें तो उसके अनेकों घरेलू उपचार हो सकते हैं। चौलाई या बथुआ के साग को अच्छी तरह धोकर पानी में उबाल लीजिए और ये उबला हुआ पानी कपड़े से छान लीजिए। अब इसमें काली मिर्च, जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में कई बार पीजिए। कुछ ही सप्ताह में इसका लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरे प्रयोग की बात करें तो चुकंदर को बारीक बारीक टुकड़ों में काटकर पानी में उबाल लीजिए और वो पानी हल्का गुनगुना होने के बाद पी लीजिए। और भोजन के साथ खीरा ज़रूर खाएं, ये भी आपकी पथरी की समस्या में काफ़ी हद तक आपको आराम पहुंचाने वाला है। तीसरा ऐसा ही एक उपयोग है जिसमें हम सफ़ेद प्याज को कूटकर कपड़े से उसका रस निकाल लेते हैं। 20 ग्राम रस चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से पथरी टूट टूट कर जल्दी से ही निकल जाती है। चौथे उपाय की बात करें तो इसमें एक पौधा होता है जिसको पत्थर चट बोलते हैं या पाखाण भेद के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। 4 से 5 पत्ते का काढ़ा बनाकर पी लीजिए। काढ़ा 15 से 20 दिन में पथरी बाहर कर देगा। इन सभी उपायों के अलावा एक होम्योपैथी की औषधि भी है जो बहुत अच्छा काम करती है। उस औषधि का नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। उसको स्पेल कर देता हूँ, उसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, आप चाहें तो लिख लीजिए। BERBERIS VULGARIS वल्गेरिस। इसके आगे लिख लीजिएगा Q या फिर ब्रैकेट में मदर टिंचर। तो ये जो है ये मदर टिंचर में आपको लेनी है। आप होम्योपैथी के किसी भी स्टोर पर जाएंगे और उनको बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर यानी कि बर्बेरिस वल्गेरिस क्यों मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। 10 से 15 बूंद आपको आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार पीनी है। ये 1 से 1.5 महीने तक करना है। 1 से 1.5 महीने में ये आपकी पथरी को तोड़ तोड़ कर यानी बिल्कुल हल्का घिस घिस कर निकाल देगा। जिसको पथरी पुरानी है उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस में आपको पथरी को घिस घिस कर निकालता है ताकि आपके मूत्र मार्ग में, मूत्र नली में वो पथरी का कण फंस ना जाए और उसे दर्द ना हो, इसलिए बहुत हल्के कणों में घिस कर ये पथरी को निकाल देता है। बच्चों के केस में 10 बूंद से या फिर 5 बूंद आप ये औषधि दे सकते हैं। लगातार 1.5 से 2 महीने तक दीजिए। कभी कभी 3 महीने भी देनी पड़ जाए तो दे देना चाहिए। इसके बाद सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और जब निश्चित हो जाए कि पथरी नहीं है तो एक औषधि और है, उसका नाम भी आप नोट कर लीजिए। वो औषधि आपको भविष्य में कभी पथरी नहीं होने देगी। उस औषधि का नाम है चाइना। उसके आगे इसकी पावर लिख लीजिए 1000 या फिर ब्रैकेट में 1M कर दीजिए। 1000 को ही 1M बोलते हैं, चाइना 1M कर दीजिए। इसका दूसरा नाम सिंकोना ऑफिसिनिलिस भी होता है। आपको उनमें से कोई भी दवाई वो देंगे तो आप ले आइएगा। इनमें से 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ एक ही दिन लेनी है, लेकिन ये लेनी तभी है जब आपको ये कन्फर्म हो जाए कि अब आपको पथरी की समस्या नहीं है या पथरी टूटकर बिल्कुल निकल गई है। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, जब आपको पथरी हो, उसका बहुत तेज़ दर्द हो, तो 20 से 25 मेहंदी के हरे पत्ते ले लीजिए। 2 गिलास पानी में उबालकर उसको 1 कप रहने पर छान लीजिए और उसको सुबह बासी पेट 20 से 25 दिन पीजिए। वो पथरी के दर्द में आपको तो राहत देगी ही, साथ ही पथरी को भी शरीर से बाहर कर देगी। मूली के पत्तों का रस भी आपके काफ़ी काम का है। इसमें मूली के पत्तों का रस 1 कप, सेंधा नमक 1 ग्राम, काला नमक 1 ग्राम मिलाकर गर्म करके सुबह और शाम पिएं। 1 महीने में आपकी पथरी निकल जाएगी।
इसके अलावा एक चम्मच तरबूज के बीज सुबह खाली पेट कुल्थी की दाल के काढ़े के साथ लें, गर्मी में ठंडा करके व सर्दियों में गर्म गर्म लेना चाहिए। फिटकरी फूली हुई हो 10 ग्राम ले लीजिए, मिश्री 100 ग्राम ले लीजिए, सेंधा नमक 25 ग्राम ले लीजिए। इन सभी को मिलाकर इसका चूर्ण तैयार कर लें। जब पथरी का दर्द हो तो आधा आधा चम्मच सादे पानी के साथ लें। इंजेक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये इतनी तेज़ी से आपके दर्द को ठीक करेगा। इसके अलावा जो आपको भूल कर भी नहीं खाना है या जिनका परहेज रखना है वो है टमाटर, गाजर, पालक, मेथी, दूध। ऐसी ही कैल्शियम वाली कोई भी चीज़ जो पथरी जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है वो आपको नहीं लेना है, जिससे आपकी पथरी आराम से निकल जाए और वो पथरी की समस्या को दोबारा ना बनाए। जितनी भी बीज वाली हैं सब्जियां जिनमें बड़ा बीज पाया जैसे टमाटर, गाजर, पालक या आपका शिमला मिर्च, इस तरह की सब्जियां ना लें। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि मेथी, पालक, बथुआ, इस तरह की सब्जियां ना लें। औषधि में जो मैंने बथुआ बताया है उसमें उसको उबालकर उसका रस लेना है, वो औषधि का काम करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पथरी की समस्या जल्दी दूर हो जाएगी। और एक बात, आयुर्वेद में जो लोग चूना ले रहे हैं, अगर किसी को पथरी की समस्या है चाहे वो किडनी की हो या गाल ब्लैडर की हो, तो उनको भूल कर भी चूने का प्रयोग नहीं करना है, चूना सेवन में नहीं लेना है। ऐसा करेंगे तो पथरी की समस्या से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और आपको दोबारा पथरी नहीं हो, वो औषधि में मैंने आपको बता दी है उसको भी ले लीजिएगा तो आपको दोबारा जीवन में कभी पथरी नहीं होगी। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।